और देखिए यहाँ हम लोग मिट्टी को ही हम लोग फुलाते हैं और यहीं से हम लोग ले जाते हैं, गिलुआ जिसको कहते हैं। आप सभी लोगों को दिखाना चाहेंगे, देखिए अभी इतना सा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी लोग कैसे, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अभी सुबह हो गई है, सुबह के अभी 7 बज रहे दोस्तों, और कुछ अभी इस तरह से अभी सीन है। और आज हल्का हल्का आज मौसम मतलब कि अच्छा है, आज बादल छाया हुआ हल्का हल्का दोस्तों, और धूप भी नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना घर का काम करने के लिए दोस्तों, क्योंकि आज हमारे लिए तो बहुत ही बेस्ट मौसम है, क्योंकि अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं तो इतना धूप होता है और मथी पूछिए बहुत कड़ा धूप होता है। और अभी इतना लू चलते हैं कि और क्या ही बताया आप सभी लोगों को दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जाते हैं अपना उस काम को करने के लिए। चलिए दिखाते हैं उस काम को कि कितना हम लोग का मतलब कि काम अभी हुआ और क्या क्या अभी करने पड़ेंगे। और देखिए तो चांदनी खेल रही है। चांदनी चांदनी बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो नमस्ते प्रणाम अपने फैमिली को, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग। और चांदनी भी उठ गई सो करके। देखिए क्या क्या डब्बा से खेल रही है, डब्बा उब्बा से खेलती इधर। कहा ये कहाँ से ये उठा करके ले आई है, कहाँ से लाई हो? चलो ये भी उठ गई सो करके। तो चलिए तो दोस्तों ये गली टाइप का थोड़ा सा है, देखिए कितना कम स्पेस है, आदमी दो आदमी आएगा तो फंस जाएगा यहाँ। और देखिए ईंटे ही साइड में, लेकिन भी हम लोग इधर से ईंटे को निकाले हैं, यही गली से निकाले सब ईंटे। और देखिए दोस्तों अभी इतना सारा भी ईंट है तो आप लोग देख पा रहे हैं। और ये ईंटा मतलब हम लोग के नहीं है, ये किन्हीं और के ईंटे हैं, तो उनका घर कंप्लीट हो गया था तो इतना सारा ईंट बचा हुआ, तो उन्हीं को हम बोले कि ईंटा आप हमें दे दीजिए कि आपका काम आएगा। हाँ, तो हमें इसका पैसा मतलब कि देने पड़ेंगे। हाँ, और अभी पूरा क्लियर हुआ नहीं कि कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, अभी गिनती नहीं की है, यहाँ ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ से हम लोग निकाल करके वहाँ गिनती करते हैं, बाहर में भी रखे हैं, फिर वहाँ से गिनती होगी और ले जाएंगे। चलो बेटा देखिए चांदनी क्या क्या ढूंढते रहती है सुबह सुबह, देखिए आ जाओ उधर, नहीं जाओ उधर सांप निकलेंगे, आओ इधर आओ, इधर आ जाओ, अब बेटा देखिए क्या डब्बा दवा का डब्बा ले रही है। तो चले दोस्तों हम लोग जाते हैं नए घर में, है ना, आ जाओ इसको भी ले जाएंगे। हाँ तो उसको भी कहाँ जाएंगे, आ जाओ बाबू आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, सारा सामान हम लोग ले लिए हैं, परात ले लिए रिया जी, और एक बाल्टी ये खाली खाली है, कोई भरा हुआ नहीं है। और चांदनी भी जा रही है, चलो आ जाओ बेटा इसको कहाँ इधर छोड़ दे, आ जाओ चलो दौड़ो। तो देखिए ये हमेशा कांधा के लिए कहते रहती है, कांधा कांधा इतना दूर, लेकिन ये कांधा इसको चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ तो आओ आ जाओ। अरे गोदी ले ली इसको रे, गोदी में नहीं इसको पसंद, इसको कांधा ही चाहिए। एक बाल्टी ले लिया पानी, वहाँ हम लोग को गिलवा फुलाने पड़ेंगे मिट्टी, और एक परात ले लिया, कुछ कुछ हम लोग को सामान जुगाड़ करने पड़ेंगे अभी। ये रहा हमारा नया घर। और दोस्तों देखिए अभी हम लोग इतना सा भी काम अभी हुआ है, आप सभी लोगों को दिखाना चाहेंगे। देखिए अभी इतना सा भी दीवार को जोड़े हैं, और ये कल का जोड़ा हुआ है, एक दिन का ये है। और अभी हम लोग का सामान भी खत्म हो गए हैं, जैसे इधर ईंटे हम लोग लाए थे वो ईंटा खत्म, और अभी हम लोग को ईंट लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मिस्त्री करेंगे, क्योंकि पहले उसको सामान का व्यवस्था कर देते हैं। हाँ बेटा, क्योंकि पहले मिस्त्री के लिए सामान का जुगाड़ चाहिए, तभी हम लोग मिस्त्री को फिर कहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। आप सभी लोगों को बैक कैमरे से दिखा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी दीवार अभी इतना सारा अभी खड़ा है, बोलिए जी आप कुछ बोलिए। इतना सारा उठ गया है मेरा अपना दीवार। और देखिए चांदनी उधर दीवार में खेल रही है, और ईंटा अभी कम है, देखिए अभी तो और ईंटे लाने पड़ेंगे। हाँ अभी और ईंटा भी हम लोग को लाना पड़ेगा, कहा है कि जो इतना अभी ईंट है ना, ये तो कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे, एक घंटा में भी ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दिन भर के लिए चाहिए ना। और मिस्त्री देखिए साइड में भी कुछ नहीं है, चांदनी उठ गई है ऊपर घर में। ना बेटा इसको भी सारा उतार, देखना संभल करके तो गिरोगी अच्छे से अच्छे से, देखिए अभी और है गिरोगी। अच्छा बहुत शरारत करती है चांदनी ना, बहुत ही शरारत करती है, इधर से चल गई। अब इसको भी हम लोग को हटाना पड़ेगा, जैसे ये जो पुआल है ना इसको भी हटाएंगे, और उसको फिर ऊपर हाँ, करना पड़ेगा तो खेत में डाल देंगे ना। हाँ और कैसे कैसे होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कैसे कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग मतलब दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा बुद्धि दीजिए। चांदनी देखिए वहाँ गिर रही है, आ जाओ बेटा, देखिए चांदनी वहाँ फंस गई, इधर से आ जाओ, आ जाओ बाबू, चांदनी वहाँ उठ गई है, चांदनी उधर चढ़ गए थे वो, और रियाजी उसको उतार रहे हैं, आ जाओ बेटा उधर संभल करके तो गिरोगी दीवार में। ये चांदनी कितना अभी उतर मत जाओ, उधर कहाँ जाओगे। और जैसे कि दोस्तों बात यह है कि अगर अभी हम लोग मिस्त्री को कर लेंगे या मिस्त्री को कहेंगे जाने के लिए, तो फिर उनके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, और एक दिन का वो 400 रुपया लेते हैं मिस्त्री चार्ज का, क्योंकि हम लोग को तो ईंटें जोड़ने आता नहीं है। देखिए कितना
कितने अच्छे से ईटा जोड़ा हुआ जैसे आप लोग देख रहे हैं, है ना? हाँ, तो हम लोग को आएगा नहीं क्योंकि उनके पास कुछ कुछ सामान होते हैं जोड़ने के लिए, घर को जोड़ने के लिए सरहुल और क्या क्या कहते हैं, उनको एक अनुभव होता है, हम लोग से नहीं हो पाएगा ना। तो आज हम लोग वो जो ईटा अभी आप सब लोगों को दिखा है ना, वो ईटा आज हम लोग यहाँ लाएंगे और फिर कल से शुरू करेंगे काम। कल से शुरू करेंगे, जैसे होगा माथे में मतलब हम और रियाज जी लाएंगे, और हो सके तो एक रेजा भी करेंगे, एक मतलब कि आदमी करेंगे क्योंकि वहां से लाना पड़ेगा, वहां से इतना दूर लाना पड़ेगा, अकेले पॉसिबल नहीं है, नहीं ला पाएंगे क्योंकि हम लोग को जल्दी भी करने हैं, नहीं तो धीरे धीरे करके लाएंगे तो हम लोग को 5 दिन में अभी ख़त्म कर पाएंगे उतना सारा ईंटे को। और अभी फिर इधर भी अभी दीवार अभी इधर भी अभी दर करने होंगे, ये साइड में इधर भी अभी दर करना होगा क्योंकि तब तो ये रूम ना बनेगा, है ना जी? जैसे ही घर के सामने से, हाँ, तो उसके लिए हम लोग पत्थर उत्थर इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं क्योंकि दर में नेव में पत्थर उत्थर देने पड़ेंगे, और नीचे पत्थर देने से फिर अच्छा घर रहता है। हाँ, और अंदर वाला भी सब हटाना पड़ेगा, जैसे इधर देख रहे हैं इधर खाई है, जैसे इधर नीचा है इधर, हाँ, सब ईंटे उटे को हटाने पड़ेंगे, और इधर भी खाई है, और देखिए सब सामान इधर रखा हुआ है मिस्त्री जी के, कुलाड़ी मतलब फावड़ा भी रखे हुए, और बोरा में उनका सामान है, बोल दिए थे कि यहीं पर रख दीजिए। हाँ, फिर कितना ले जाएंगे? और इसको भी हम लोग को यहाँ मिट्टी भरना पड़ेगा, देखिए जैसे आप लोग अगर इधर से आप लोग देख पा रहे हैं, पत्थर सबको नीचे, हाँ, उसके उसके बराबर यहाँ हमको मिट्टी भरना पड़ेगा हम लोगों को। कितना काम है, अरे बहुत भी मेहनत है अभी इस घर पे अभी, और इधर भी तो मिट्टी अभी भरना ही पड़ेगा अभी, उसको हटाएंगे फिर उसको हटा करके फिर उसको भी ऊंचा करने पड़ेंगे, और ईंटे भी खत्म हो गए हैं। और आज का मौसम ऐसे भी काफी प्यारा है दोस्तों, और दिन के मतलब के मुकाबले में बहुत ही अच्छा मौसम है आज, अच्छे से काम को कर पाएंगे। और हम लोग मिट्टी लाते हैं उधर, जैसे बाल्टी लेकर के आए हुए हैं तो वहाँ पानी ला करके हम लोग फुलाएंगे मिट्टी को, थोड़ा खोदेंगे मिट्टी। तो चलिए आप सभी लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, और देखिए यहाँ हम लोग मिट्टी को ही हम लोग फुलाते हैं, और यहीं से हम लोग ले जाते हैं गिलुआ जिसको कहते हैं, मिट्टी का गारा यहीं से लेकर के जाते हैं, हम लोग गिलुआ बना लेते हैं। हाँ, तो यहीं से लोग लेकर के जाते हैं मिट्टी का गिलुआ को, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं अभी इसको हम लोग खोदे हुए हैं, और इधर बगल में एक तालाब है इधर इस साइड में, तो वहाँ से हम लोग बाल्टी बाल्टी पानी लेकर के आते हैं, यहाँ हम लोग पानी डालते हैं और यहीं से हम लोग फुलाते हैं मिट्टी को। तो आज इसको हम लोग फूलने देते हैं, और अभी मिट्टी को हम लोग को खोदना पड़ेगा, तब फिर कल के लिए हम लोग रेडी करेंगे, और कल हम लोग मिस्त्री को कहेंगे तो फिर फटाफट लेकर के जाएंगे तो आसान होगा, अच्छे से फूल जाएंगे मिट्टी ना। हाँ, तो चलिए फिर पानी लेकर के आते हैं ना, लेके आते हैं पानी हम लोग को डालना पड़ेगा। और यह जी आ रहे बाल्टी को लेकर के, अब यहाँ से पानी लेके जाना होगा, ये तालाब है ना, ये तालाब से, और चांदी देखिए कैसे खेल रही है घायला से, ये पूजा का जो घायला है ना उसी से खेल रही है चांदनी चुका से, अरे यहाँ पानी भरने जा रही है लोग भी, देखिए कहाँ जा रही है चांदनी, कहाँ जा रही है, पानी भरने जा रही है ना, अभी हम लोग को अभी 15-10 बाल्टी भी ले जाने पड़ेंगे अभी पानी, और वहाँ देना पड़ेगा गड्ढा में। देखिए चांदनी इधर कैसे खेल रही है, चांदनी भी खेल रही है, चलो वहाँ पानी ले जाओ, हाँ चलो वहाँ डाल देगी लो, नहीं हमें नहीं आना चाहिए, पानी को फुलाना पड़ेगा, ये पानी चलो दो बार इधर डाल देने से, इधर अभी और इधर अभी डालना पड़ेगा, अभी कम से कम अभी 10 बाल्टी भी डालने पड़ेंगे अभी पानी, और हाथ पूरा दन लाल हो जाता है पानी ढो ढो के, अब दिन भर पानी ढोना पड़ता है, और गिलवा भी ढो करके इधर ले जाना पड़ता है, पानी लेकर के गए और फिर आ रहे हैं तालाब में, और चांदनी की माँ भी उधर ही है, और चांदनी लोग भी वहाँ खेल रही है पानी में, उन लोग भी अपना छोटा सा घैला उसमें ला रहा है पानी उन लोग, अभी यहाँ बहुत सारा अभी यहाँ पानी अभी भरना पड़ेगा अभी। तो दोस्तों पानी हम लोग उसमें डाल दें अभी, और वो गिलवा जब तक वो फूलेंगे, क्योंकि अभी इतना कड़ा धूप है ना कि वो मिट्टी भी वो पानी भी पूरी तरह से सूख जाती है, और चांदनी चले गए उधर उस साइड में खेलने के लिए, उधर चांदनी बेटा चले गए उधर खेलने के लिए, वो एक बच्चे के साथ, वो बच्चे के साथ चली गई खेलने के लिए, अब कैसे काम हुई हो बताइए रिया जी, कैसे काम हुई, कैसे काम करेंगे, ईटे तो अभी बहुत अभी इतना, आज का खैर मौसम तो सही है लेकिन इतना मौसम गड़बड़ा जाता है, इतना धूप इतना कड़ा धूप की मतलब धूप से हालत खराब ही हो जाता है,
आज मौसम भी अच्छा है। आज मौसम सही है, फिर भी तो अभी इतना भी ईंटें लाना बहुत ही मतलब मुश्किल होती है सच में, इसको हटाना इतना सारे काम पड़े हैं। और इधर अभी हम लोग को दीवार भी, ये जो नेव है ना, इस नेव का भी मतलब कि हम लोग को खोदने अभी नेव को भी कोड़ना पड़ेगा, आसानी होगा। और हम लोग किचन हम लोग यही बनाएंगे, हम बनाएंगे देखते हैं इधर या तो किधर भी बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग को चारों तरफ का तो व्यू दिखा दिए। जैसे कि ये रूम है, ये जैसे कि ये पहले गोहाल था, गोहाल इसको क्या बोलते हैं, माचा था, जैसे पुआल अभी भी लदा हुआ, एक उधर जैसे माचा भी कराना हुआ सेम वही माचा है, क्योंकि उस साइड में भी उधर भी गाँव तरफ भी बहुत सारे माचा उधर बना हुआ है उधर भी, तो हम लोग इधर यही टाइप के माचा होते हैं, ये लकड़ी के या तो फिर ये गिलवा का जोड़ा है, तो ऐसे ही होते हैं। और देखिए अब कितना दिन में हम लोग का घर बनता है दोस्तों, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, खाली कुछ हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा इधर ये रूम है, अभी उठा है, कितना भी मेहनत होगा सब अभी हटाने पड़ेंगे, मिट्टी भरने पड़ेंगे ना जी। देखिए जैसे कि सब लकड़ी है, सबको हटाएंगे अभी हम लोग, कुआल को भी हटाना पड़ेंगे ना। एल्वेस्टर देने से सही रहेगा कि खापल का घर बनाने सही रहेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एल्वेस्टर सही रहेगा कि खापल का सही रहेगा, है ना जी। खपरेल से खपरा का घर, खपरा का घर में ये होगा कि ठंडा ज्यादा लगेगा, सुकून ज्यादा मिलेगा, गर्मी के दिन में ज्यादा गर्मी नहीं मिलेगा। देखिए संभल करके तो माथे में चोट लगेगा छोटा सा, अभी कितना अभी देखिए अभी इतना है, अभी हटाना पड़ेगा इसको, अभी ऊंचा और करना पड़ेगा, अभी कितना दिन अभी लगेंगे घर को बनने में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऊपर करना ही पड़ेंगे ना। हाँ तब जाके फिर अच्छा बनेंगे। चांदनी को लेकर के फिर खाना वाना खाने जाएंगे, अब 8:30-9 बजने चले। चलिए देखिए चांदनी भी चल रही है, आगे आगे क्या देखिए कांधा, बैठो लो कांधा, ये कांधा का बहुत इसको प्यार ही है, इसको कांधा बहुत इसको पसंद है, चल बैठो, अरे आ जाइए, चलिए हो गया ना, चलिए हम लोग घर चले अब। तो दोस्तों लोग घर पहुंच गए, और देखिए मिट्ठू महाराज किधर अभी बैठे हुए, महाराज जी देखिए आप सभी लोगों को दिखा रहे दोस्तों, देखिए देखिए क्या बेटा बाजार नहीं, चलिए इसको खाएगी नहीं खाए, देखते हैं चना, देखिए यहाँ रखा हुआ चना, ये अपने खाते हैं आकर के, नहीं छोड़ो ये अपने पानी पियेंगे ना, देखिए ये अपने खाते हैं और अपने पानी पीते हैं, और ऐसे रहते, देखिए वो चना में वो अंदर चले गए, कहाँ गए जी, बाहर रख दिए, क्या रख दिए, चलिए खाना फटाफट लाए, देखिए चांदनी को मारते, देखिए कितना मारते चले, देखिए ये अपने से खा रहे हैं, देखिए कैसे करते, देखिए हमको दर्द नहीं करता बेटा, बताओ हमको दर्द नहीं करता, अब देख देखिए, अरे दर्द करता, अरे दुखता बाबू, नहीं हो गया बस बस करो, देखिए देखो बाबू को देखो, देखो देखो हम उसको मिठाई देंगे, अरे अच्छा आजा इधर आ, देखिए देखिए दोस्तों देखिए, चलिए खाना वाना लगाइए फटाफट, अब खा करके फिर जाना है अभी और काम करने के लिए, हाँ खाना लाइए, हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग खाना वाना का खाना वाना खाते हैं हम लोग भी, क्या बेटा बिस्कुट है, अरे हाँ बिस्कुट है, देखिए मिठू जी मेरे पास आ जाते हैं, वो देखिए कितना प्यार से बैठे हुए हैं, हाँ चलिए आप भी उतर जाइए, चलिए अब हम लोग भी खाना खाएंगे, आप खाना खा लिए ना, हम लोग भी खाना खाएंगे, अभी आए काम करके, अभी हम काम करके आए लेटे, देखिए ये भी मेरे पे आ जाता है मेरे पास, और देखिए भी मोबाइल देखता है, देखिए देखिए मेरा खाना भी आ गया, देखिए खाने में क्या बनाया रिया जी, मार भात और प्याज का साग, देखिए मार भात और प्याज का साग, आलू डाल करके बनाए हैं, तो चलिए हम फटाफट से खा लेते हैं, खा लीजिए हम, देखिए देखिए मिठू महाराज को देखिए, अरे आप कहाँ जाइएगा महाराज जी, मिठू महाराज जी आप कहाँ जाइएगा, देखिए मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हैं, आते हैं और मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, तो चलिए अभी फटाफट हम खाना खा लेते हैं दोस्तों, अब तो दोस्तों हम खाना खा रहे हैं अभी, और देखिए मिठू जी भी बैठे हुए, मिठू जी मिठू महाराज देखिए आप सभी लोग को दिखा रहे हैं, बैठे हुए रहते हैं, हम कहीं से भी आते हैं मेरे ऊपर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं मेरे ऊपर, तो दोस्तों हम खाना खा लिए, अब चांदनी के बाबू उधर खाना खा रहे हैं, पीछे हम लोग कभी कभी हो जाता है खाने में, और देखिए इधर मिठू जी कहाँ चढ़ रहे हैं, इसका नाखून देखिए कितना कड़ा है, इसका नाखून है कि ये दीवार में ये चिपक जा रहा है ना जी, नाखून सब बड़ा बड़ा, बहुत नाखून तेज होते हैं, लंबा लंबा, इसलिए वो कहीं भी वो लटक जाते हैं नाखून के ही कारण, नाखून बहुत लंबा होता है, नाखून बहुत ही लंबे होते हैं।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय।